नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं आज आपको लेके आ चुका हूं बटेश्वर टेम्पल, जो कि मुरैना ज़िले में स्थित है। दोस्तों, ये ग्वालियर शहर से करीबन 40 किलोमीटर दूर है। और दोस्तों, आज हम आपको पूरा ये बटेश्वर टेम्पल घुमाएंगे। ये ग्रुप टेम्पल है, यहाँ पर एक जैसे पूरे मंदिर बने हुए हैं और एक ही एरिए में है ये मंदिर सारे। तो दोस्तों, चलिए हम आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बटेश्वर टेम्पल ग्रुप टेम्पल मेन गेट पर। जैसा कि देख सकते हो दोस्तों आप, ये ग्रुप टेम्पल का मेन गेट है, इसके अंदर जाएंगे हम। दोस्तों, इस मंदिर का निर्माण गुजर वंश के राजाओं ने करवाया था 8वीं शताब्दी में। दोस्तों, जब इन पे अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था और जब इनकी अंग्रेज़ों ने तोड़फोड़ कर दी थी हिंदू मंदिरों की, जब से इन मंदिरों की देख रेख सही हो चुकी है और हम आपको इसके बारे में दिखाते हैं, इन मंदिरों की जानकारी देते हैं। आइए दोस्तों, जब मुग़ल और मराठाओं में पहले युद्ध हुआ था तो यहाँ पे मुग़लों का कब्जा हो गया था, कब्जा कर लिया था मुग़लों ने यहाँ पे। तो दोस्तों, जब मुग़लों ने इन मंदिरों को मिट्टी के अंदर दबा दिया था हिंदू सभ्यता मिटाने के लिए, दोस्तों मराठाओं का इस क्षेत्र पर फिर से कब्जा हुआ तो इन मंदिरों को मराठाओं ने मिट्टी के अंदर से निकाला गया, जैसा कि आप देख सकते हो। दोस्तों, ये बटेश्वर टेम्पल ग्रुप टेम्पल ये चंबल क्षेत्र में आता है। और दोस्तों, पहले इस क्षेत्र में निर्वाया गुजर, जो काफ़ी फेमस गुजर डाकू था, इस क्षेत्र में उसका बहुत ही ज़्यादा खौफ था। और दोस्तों वो अपनी गैंग को लेकर इसी जंगलों में बैठा करता था पहले। मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में स्थित एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक साथ सैकड़ों से मंदिर बने हुए हैं, जो मंदिर 8वीं-10वीं शताब्दी की सुंदर नक्काशी को दर्शाते हैं। इन मंदिरों की खासियत ये है कि इन्हें डाकुओं ने इन मंदिरों को नष्ट करके फिर से बनाया था। यह मंदिर काफ़ी प्राचीन हैं, जिन्हें डाकुओं ने अपना ठिकाना बना लिया था। इसके बाद किसी ने इन मंदिरों की सुध नहीं ली, जिसकी वजह से यह मंदिर खंडर में तब्दील होते जा रहे थे। बताया जाता है कि मुग़लों और मराठों में जब युद्ध हुआ तब मुग़लों का इस क्षेत्र पर कब्जा हो गया था। मुग़लों ने हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ कर दी थी। आइए दोस्तों, अब चलते हैं मंदिर की साइड और आपको दिखाते हैं ग्रुप टेम्पल। दोस्तों, आइए यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, शिलालेख लगा हुआ है। मंदिर के बारे में जानकारी पढ़कर आप देख सकते हो दोस्तों, समझ सकते हो ये मंदिर कैसे, कब और ग्रुप टेम्पल कौन सी शताब्दी में बना था। तो दोस्तों, आइए हम चलते हैं इसके मेन गेट से, इससे घूम कर आएंगे। दोस्तों, आइए इधर की साइड। जैसा कि दोस्तों आपको सामने की तरफ एक मंदिर टाइप का दिख रहा होगा, दोस्तों पहले ज़माने में जहाँ पे एक बाबा बैठा करते थे करीबन 10 साल पहले, दोस्तों जब यहाँ पे एक बाबा ने समाधि ली थी, जैसा कि देख सकते हो दोस्तों ये है वो मंदिर। दोस्तों, चलते हैं अंदर। दोस्तों, आइए हम चलते हैं अब अंदर की साइड। और दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो ये दो प्लेट टाइप के खड़े हुए हैं, ये यहाँ से एंट्री गेट है, ये इसका ऊपर का हिस्सा है वो टूट चुका है और अंदर से एंट्री करते हैं हम। आइए दोस्तों, अभी तो यहाँ पे काम चल रहा है, जो बाकी मंदिर टूटे पड़े हुए हैं वो देख सकते हो दोस्तों सामने की साइड अब बन रहे हैं। दोस्तों, पहला मंदिर ये मिला है हमको, देख सकते हो दोस्तों, इससे दर्शन करके मन जाए अंदर की साइड जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पे लगभग 200 मंदिर बने हुए हैं और उनके जो काफी हिस्सा हैं टुकड़े देख सकते हो पड़े हुए हैं और काफी मंदिर जो बन रहे हैं देख सकते हो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो, और काफी मंदिरों के टुकड़े हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको मंदिर की साइड और अंदर मंदिर के भी दर्शन दिखाते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे हनुमान जी की प्रतिमा रखी हुई है, ये पत्थरों में इसकी रचना की गई है, देख सकते हो दोस्तों आप।
में ये छाट फूट कर बनाया गया है। दोस्तों आइए चलते हैं कुंड की साइड और हम आपको एक कुंड भी दिखाते हैं। दोस्तों इस ये आपको नीचे सुरंग टाइप की दिख रही होगी, इसमें से पानी आता रहता है। और दोस्तों पहले तो ये काफ़ी भरा रहता था, इसमें नहाया भी करते थे लोग, वहाँ पानी पीने के लिए भी यूज़ किया करते थे। दोस्तों अब तो देख सकते हो थोड़ा ही पानी बचा हुआ है इसमें, और काफ़ी गर्मी पड़ रही है तो पानी इसका सूख चुका है। और दोस्तों और ये बिल्कुल ख़त्म नहीं होता इसका पानी दोस्तों, या कितनी भी गर्मी पड़े। तो दोस्तों चलते हैं मंदिर की साइड और आपको और भी इसकी बातें वो बताते हैं। ये मंदिर मुरैना से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर चंबल के बीहड़ों में स्थित बटेश्वर में स्थित है। इस जगह पर 8वीं 10वीं शताब्दी के बीच गुर्जर वंश के प्रतियार वंशों ने 200 मंदिरों का निर्माण करवाया था। यह मंदिर भगवान शिव और विष्णु को समर्पित हैं और करीब 300 साल पुराने हैं। तब यहाँ पर डाकुओं का आतंक था, वहीं से एक पुरातत्व विभाग की टीम की जिम्मेदारी संभाल रहे मोहम्मद साहब ने इन मंदिरों को देखा और उन्हें फिर से बनाने की ठानी। लेकिन तभी उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई। उन्हें बताया जाता है कि जब मंदिरों को दोबारा बनवाया जा रहा था तब उन्हें पहाड़ पर बैठा एक व्यक्ति मिला जो बीड़ी पी रहा था। उसे देखकर साहब को गुस्सा आया और उन्होंने उस व्यक्ति से कहा कि तुम्हें पता है कि ये मंदिर है और तुम यहाँ बैठकर बीड़ी पी रहे हो। लेकिन तभी उनके विभाग के एक अधिकारी ने पीछे से आकर उनको पकड़ लिया और बीड़ी पीने वाले व्यक्ति की तरफ इशारा करके बोला, अरे आप इन सर को नहीं जानते, इन्हें पीने दीजिए। उसके बाद के मोहम्मद बहुत जल्द समझ गए कि वो निर्भया सिंह गुर्जर है जिसका आतंक आसपास के इलाकों में फैला हुआ है। फिर उन्होंने गुर्जर को समझाया कि वो एक वक्त पर उनके भी वंशजों के इन मंदिरों को बनवाया जा रहा है, अगर आज इन्हें हम दोबारा नहीं बनवाएंगे तो इनका वजूद मिट जाएगा, इसलिए क्या आप इनके पुनर्निर्माण में हमारी मदद करेंगे। के मोहम्मद की बात सुनकर निर्भया सिंह डाकू बहुत प्रभावित हो गए और उन्हें मंदिरों को बनवाने के लिए पूरा सहयोग किया। आज यह मंदिर फेमस टूरिस्ट प्लेस बन गया है और यहाँ पर लाखों लोग आते हैं देखने के लिए, और देश विदेश से भी लोग यहाँ पर इन मंदिरों को देखने के लिए आते हैं। दोस्तों आपको ये सामने की टाइप एलवारी टाइप की दिख रही होंगी, यहाँ पे लोग बाग आते हैं, स्नान करते हैं, यहाँ पे अपने कपड़े वस्त्र वस्त्र रखते हैं और यहाँ पे ही नहा के और भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। दोस्तों आइए, जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो ये है कुंड, इसका कभी पानी ख़त्म नहीं हुआ और दोस्तों इसमें 12 महीना पानी भरा रहता है, इसका पानी कभी सूखता ही नहीं है। दोस्तों इस पानी को पीने के लिए यूज़ किया जाता है और इसी पानी को नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों आइए, ये कच्छ बने हुए हैं, इनको भी हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों हमको लगता है ये कच्छ बने हुए हैं, ये पहले पुजारियों के कच्छ रहा करते थे, जैसा कि देख सकते हो दोस्तों आप, इसमें 3 द्वार लगे हुए हैं, गोल आकार के बने हुए हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं हम बड़े मोरेनाथ जी के मंदिर की साइड, आपको कुछ बातें बताते हैं। दोस्तों आइए अंदर और हम आपको इस जो ये आपको छत टाइप की दिख रही होगी, ये पहले ज़माने में टूट चुकी थी और इसकी अब मरम्मत सही से हो चुकी है। दोस्तों ये भोलेनाथ जी का मंदिर है, इसको सबसे बड़ा मंदिर बोला जाता है, इस ग्रुप टेम्पल में सबसे बड़ा मंदिर है ये। दोस्तों आइए हम आपको पूरा मंदिर की परिक्रमा लगा के दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हो जैसा कि आप इन पत्थरों में पुराने ज़माने की गुजर वंश समाज जब राजा थे यहाँ के, जब उनके समय में यह नक्काशी की गई है जो आज भी मौजूद है इस मंदिर में। दोस्तों देख सकते हो जैसे आप ये प्लट टाइप में घंटी टाइप की बनी हुई हैं। दोस्तों ये एक मगरमच्छ टाइप का है जिससे
अंदर का पानी बाहर की साइड आता है। दोस्तों इस मंदिर में भी मूर्ति काफी फूटी हुई है, खंडित मूर्ति लगी हुई है जैसा कि आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो पुजारी उजारी होते हैं वो आराम करने आते थे, अभी भी और आराम करते हैं। तो दोस्तों आइए, अब तो इस मंदिर में काम चल रहा है, काफी मरम्मत हो रही है इस मंदिर की। दोस्तों ये मंदिर बीच पहाड़ों के बीच में बना हुआ है। अब चलते हैं दोस्तों हम दूसरे हिस्से की साइड। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे मंदिरों के टुकड़े टुकड़े पड़े हुए हैं। पहले जमाने में इन टुकड़ों को अंग्रेजों के शासन में तोड़ा गया था, अब इनकी मरम्मत हो रही है। तो दोस्तों देख सकते हो आप कितने सारे मंदिर बने हुए हैं यहाँ पे, आपको भी नजर आ रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने इस मंदिर को देखा होगा, दोस्तों यही था वो मंदिर जो पहले 8वीं 10वीं शताब्दी में बना गया था। दोस्तों ये मंदिर की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना अपनी राय। और दोस्तों आपको ऐसी हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लें। और दोस्तों हम आपको मिलते हैं जल्दी जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।